हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास सेवेंथ के स्टूडेंट और जो क्लास सेवेंथ के नहीं हैं उनको भी आपके इस यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का टॉपिक। तो ये क्लास सेवन है और इसका टॉपिक आपके सामने दिख रहा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को हमको यहाँ पर रीड आउट करना है। आइए चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो तीन चीज़ें हैं आपके सामने, जिनका नाम मैंने अभी आपके सामने बताया है कि एक का नाम है एसिड, दूसरे का नाम है बेस और तीसरे का नाम है सॉल्ट, ये होते क्या हैं, ये क्या है? बच्चों, जो केमिकल होता है आपके सामने, मैं बोलूँ कोई केमिकल है तो केमिकल वर्ड बोलते ही आपको एक आपके मन में एक कुछ इस तरीके का डायग्राम आएगा कि एक फ्लास्क रखा हुआ है, एक बीकर रखा हुआ है, ओके, और उस बीकर के अंदर जो है कुछ भरा हुआ है। ये आपके सामने ऐसा एक इमेज बन जाएगी। आप बोलेंगे इस बीकर के अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है? केमिकल है। आप गलत नहीं बोल रहे हैं, जो इस बीकर के अंदर भरा हुआ है वो केमिकल है। और इसके अलावा भी आपके सामने जो कुछ भी है वो भी केमिकल है। आपके सामने जो कुछ भी इस संसार में है वो क्या है? केमिकल है, ओके? जो भी है इसके अलावा वो सामने केमिकल है। अब केमिकल की कई वैरायटी होती हैं, केमिकल की कई वैरायटी होती हैं। एग्जांपल, आप बीमार हो गए, आप मार्केट से एक कैप्सूल लेकर के आए और उस कैप्सूल को आपने तोड़ दिया। उस कैप्सूल को तोड़ करके आपने उसके दो हिस्से करे और कैप्सूल को खोल दिया, तो यदि आपने कभी कोई कैप्सूल तोड़ा हो तो उसके अंदर से पाउडर निकलता है। क्या निकलता है? पाउडर, ओके। तो ये जो पाउडर निकला ये भी क्या है? एक केमिकल है। तो केमिकल जो होता है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या तो वो लिक्विड हो सकता है, या तो वो गैस हो सकता है। मगर ज़्यादातर बच्चों ने एक्चुअली केमिकल को लिक्विड फॉर्म में देखा है। तो जब भी मैं केमिकल की बात करता हूँ तो बच्चों के मन में आता है कि वो लिक्विड होगा, क्योंकि जो टीवी में एडवर्टाइज आता है घड़ी साबुन का, उसमें वो केमिकल को लेकर के ग्लास फ्लास्क में हिलाते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि केमिकल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। मगर केमिकल कुछ भी हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड या गैस। आई बात समझ में? तो ये केमिकल है। अब केमिकल के कुछ टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, केमिकल के बहुत सारे टाइप होते हैं। जो भी केमिकल होगा वो कुछ प्रॉपर्टी रखेगा, या तो वो एसिड होगा, या तो वो क्या होगा? वो एसिड होगा, या तो वो बेस होगा, या तो वो सॉल्ट होगा, या तो वो क्या होगा? सॉल्ट होगा। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया है मैंने केमिकल का, वो किस बेस पर किया है? नेचर के बेस पर। किस बेस पर? नेचर के बेस पर, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर केमिकल का तो एक क्लासिफिकेशन ये भी हो सकता है। मैंने कहा कि आपके सामने दुनिया में कोई भी केमिकल पाया जाएगा वो तीन टाइप का हो सकता है, या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो वो गैस होगा। तो बिल्कुल सही है क्लासिफिकेशन। बट इस क्लासिफिकेशन का जो बेस है, जिस आधार पे आप इस क्लासिफिकेशन को कर रहे हो, वो है स्टेट ऑफ मैटर। क्या है वो? स्टेट। उसकी स्टेट क्या है? तो स्टेट के आधार पे या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो वो गैसियस होगा। इसी तरीके से अगर उसके कैरेक्टर यानी कि उसके नेचर के बेसिस पर बात करो कि उस केमिकल का नेचर क्या होगा, तो या तो नेचर में वो होगा एसिडिक, या तो होगा क्या? बेसिक, या तो होगा सॉल्ट, ओके। एसिड होगा, बेसिक होगा, या होगा सॉल्ट, ठीक है। तो तीन प्रकार के कैरेक्टर हमें पढ़ने हैं केमिकल्स के। एक तो या तो एसिडिक कैरेक्टर होगा, या तो बेसिक कैरेक्टर होगा, या तो उसका कैरेक्टर होगा सॉल्ट। अभी आप छोटी क्लास में हैं इसलिए सॉल्ट का कैरेक्टर माना जाएगा न्यूट्रल। क्या माना जाएगा? न्यूट्रल, ना तो एसिडिक और ना तो बेसिक, ये समझ लीजिए। कि जो एसिड भी ना हो और जो बेस भी ना हो उसको आप बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं उसको आप? न्यूट्रल।
न्यूट्रल, ठीक है। जो एसिडिक भी ना हो और जो बेसिक भी ना हो उसको आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। अब आपके अंदर मैं फीलिंग लाने की कोशिश करता हूं कि यार ये न्यूट्रल क्या है। उबला हुआ पानी से जो भाप बनती है उससे जो पानी निकल के आता है या उबला हुआ पानी, वो कहलाता है डिस्टिल्ड वाटर। क्या कहलाता है? डिस्टिल्ड वाटर। पानी की आप भाप बनाइए और भाप बना करके उस पानी को निकाल लीजिए, भाप को ठंडा करके। तो मैं बात कर रहा हूं डिस्टिल्ड वाटर की। अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है आप देखिए। तो बच्चों ने पूछा कि ये डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। देखिए आप क्या करिए कि जैसे आपने कुछ पानी ले लिया, ये गंजी में आपने पानी ले लिया और इस पानी को आपने उबलने के लिए रख दिया, पानी की भाप बनेगी। क्या बनेगी? भाप बनेगी। और ये भाप जो इसके ऊपर एक बर्तन है, आपने ऊपर एक बर्तन ऐसा कुछ बना रखा है, ये भाप जा करके इस बर्तन पे ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। और आप देखेंगे यहाँ पर पानी की बूंदें आ जाती हैं। कभी कभी आपने अगर इसको ढाँक रखा है तो आपने देखा होगा जिस बर्तन से आप ढाँकते हैं यहाँ पे बूंदें आ जाती हैं, ये पानी बन जाता है। इसको बोलते हैं, ये जो पानी होता है यहाँ पे जो वाटर होता है उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? डिस्टिल्ड वाटर। जी हाँ, डिस्टिल्ड वाटर। तो बच्चों याद रखिएगा, ये जो वाटर होता है ना, ये डिस्टिल्ड वाटर, ये एकदम न्यूट्रल होता है। क्या होता है? एकदम न्यूट्रल। मतलब ना तो ये एसिड है और ना तो ये बेस है, बेसिक है। ये न्यूट्रल कैरेक्टर का है। किस कैरेक्टर का है? न्यूट्रल। मतलब इसमें एक भी परसेंट एसिड नहीं है और इसमें एक भी परसेंट बेस नहीं है। अब आप कहोगे तो सर वो जो नल से पानी निकलता है वो क्या होता है? जो आपका नल से पानी आता है बच्चों वो बेसिक होता है। क्या होता है वो? बेसिक हुआ करता है, उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर हुआ करता है, वो बेसिक हुआ करता है। क्यों होता है? क्योंकि नल से आने वाले पानी के अंदर थोड़ा सा बेस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? बेस। अब जिसमें बेस मिलेगा वो बेसिक हो जाएगा, अब जिसमें एसिड मिलेगा वो एसिडिक हो जाएगा, जिसमें एसिडिक एसिड मिला होगा वो एसिडिक हो जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं सर एसिड तो हमें समझ में आता है, क्योंकि बच्चों के सामने बोला जाए एसिड तो एसिड का मतलब बच्चे समझते हैं खट्टा, जिसमें कुछ खट्टा मिला हुआ वो एसिड है, ये समझते हैं बच्चे। अरे भाई एसिड एक प्रकार का केमिकल है। एसिड एक प्रकार का क्या है? जो टेस्ट में खट्टे हुआ करते हैं। ऐसे ही बेस एक प्रकार का केमिकल है जो टेस्ट में कड़वे हुआ करते हैं। क्या होते हैं टेस्ट में? टेस्ट में कड़वे हुआ करते हैं, उनको आप बेस बोलते हैं। उनको आप क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जो टेस्ट में कड़वे हुआ करते हैं उनको आप बेस बोलते हैं। तो जो पानी होता है नेचुरल पानी में बेस कुछ ना कुछ मिला होता है, बेस कुछ ना कुछ मिला होता है। ओके, नेचुरल जो पानी होता है उसमें बेस कुछ ना कुछ मिला होता है, ठीक। इसलिए पानी का कैरेक्टर बेसिक होता है। पानी का कैरेक्टर क्या होता है? बेसिक होता है। तो यहां से हम चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों जो केमिकल होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, या तो एसिडिक केमिकल होंगे जो कुछ आपके पास एसिड पढ़ने वाले हैं आप, कुछ आप बेस पढ़ने वाले हैं और कुछ आप सॉल्ट पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, एसिड का कैरेक्टर एसिडिक होता है, बेस का कैरेक्टर बेसिक होता है, और आपके सिलेबस में जो सॉल्ट है उसका कैरेक्टर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। सॉल्ट का कैरेक्टर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब आप एक चीज ये समझ लीजिएगा, ये ना समझ लीजिएगा, आपको मैंने कहा कि जो वाटर होता है H2O, कौन सा वाटर? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, तो आप बोल देंगे गलती से कि डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? सॉल्ट। क्या आप ये बोलने वाले थे? अगर आप ये बोलने वाले थे कि सर ने तीन चीजें पढ़ाई, सर ने बताया एसिड, सर ने बताया बेस और सर ने बताया सॉल्ट, तो मैं बोलूंगा वाटर किस में आता है, तो आप बोलेंगे वाटर इसमें आएगा, सॉल्ट में, क्योंकि एसिड एसिडिक होते हैं, बेस बेसिक होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं? न्यूट्रल। सॉल्ट क्या होते हैं?
न्यूट्रल, तो आपको लगेगा कि सॉल्ट जो होते हैं वो इसमें आएंगे। नहीं, बिल्कुल गलत। H2O एक सॉल्ट नहीं है, H2O सॉल्ट नहीं है, समझ में आ गया। H2O सॉल्ट नहीं है। सॉल्ट को हिंदी में हम नमक कहते हैं, क्या बोलते हैं? नमक। मगर कभी इसका मतलब यही ना समझ ले कि नमक मतलब खाने वाला नमक, क्योंकि आपने आज तक सॉल्ट केवल टाटा सॉल्ट सुना है, इसलिए आपको जब भी मैं सॉल्ट बोलूंगा तो आपको नमक की फीलिंग आएगी कि सॉल्ट बनेगा, मतलब आपको लगेगा नमक बनेगा, बिल्कुल नहीं। आपकी मैं याददाश्त के लिए आपको बता देता हूं बच्चों, सॉल्ट। आपने कभी चौक लिए, चौक को चूरा चूरा कर दीजिए, फोड़ दीजिए, चौक पाउडर निकलेगा, वो भी सॉल्ट है। क्या है वो भी? सॉल्ट है, बिल्कुल सही। जो चौक पाउडर निकलेगा वो भी क्या है? सॉल्ट है। आपने नमक उठाया, खाने वाला नमक, डिगली वाला नमक, उसको भी आप पाउडर कर दीजिए, वो भी क्या है? सॉल्ट है। तो सॉल्ट कोई एक प्रकार का नहीं होता है, सॉल्ट हजारों लाखों प्रकार के हैं। जो चीज पाउडर है उसको सॉल्ट है। ये देखिए भाई साहब, एक गलती कर दी यहां पे, एक बढ़िया सवाल भी पूछा कि क्या जो चीज पाउडर फॉर्म में होती है वो सॉल्ट ही होती है? क्या जो चीज पाउडर्ड फॉर्म में होती है वो क्या सॉल्ट ही होती है? बिल्कुल गलत। बिल्कुल ही गलत। जो चीज पाउडर फॉर्म में होती है वो सॉल्ट होती है, ये बिल्कुल गलत है। कैसे है गलत, इसको भी मैं बता देता हूं। कैरम खेलते हैं, कैरम में फिसलने के लिए जो पाउडर आता है, बिल्कुल चिकना पाउडर हुआ करता है, उसको बोलते हैं हम बोरिक पाउडर। क्या बोलते हैं? बोरिक पाउडर। और एक्चुअली ये पाउडर का सही नाम होता है बोरिक एसिड। क्या नाम होता है? बोरिक एसिड। जी हाँ, तो ये एसिडिक कैरेक्टर का होता है। मगर बच्चों याद रखना कि किसी भी चीज का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर तभी खुल करके सामने आएगा जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे। किसमें डिसॉल्व करेंगे? पानी में, बिल्कुल सही बात है। अगर आप बोरिक एसिड को, बोरिक पाउडर को अगर आप पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे, जो एसिडिक पाउडर है, जो क्या है? एसिडिक पाउडर। हाँ, अगर आप इसको जब तक वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे, ये अपनी असली ताकत का पता आपको चलने नहीं देगा। तो ये टेस्ट है कि किस तरीके से किसी एसिड को या किसी बेस को चेक किया जाता है। बिल्कुल सही कहा, चूने का पानी, लाइम वाटर, वो बेसिक है। चूने का पानी जो होता है वो बेसिक होता है, ठीक। चूने का पानी, तो चूने का पानी बना कैसे? चूने के पानी को बनाने के लिए आपको चूने का पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घोलना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डालना पड़ेगा, और तब आपका बन जाएगा चूने का पानी, CaOH whole twice। समझ गए? CaOH whole twice, घुला हुआ चूना। और क्योंकि ये पानी में घुला हुआ है इसलिए हम यहां पर लगाते हैं एक्वस। क्या लगाते हैं? एक्वस बताता है पानी में घुला हुआ, क्योंकि पानी का दूसरा नाम है एक्वा। क्या नाम है पानी का दूसरा नाम? एक्वा। तो जो पानी में घुला हुआ है उसको हम एक्वस बोलते हैं। तो ये क्या था? ये है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है चूना, ये प्योर चूना होता है, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसे? क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसे बेटा? क्विक लाइम। ये सूखा चूना हुआ करता है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, लाइम वो लेमन वाटर नहीं है, लाइम भी नहीं है, ये क्विक लाइम है। इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये केमिकल नेम है इसके। ठीक है, तो ये क्विक लाइम है, और क्विक लाइम को आपने पानी में घोल दिया तो आपको मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, और ये होता है बेसिक। क्या होता है ये? बेसिक। तो इसकी ताकत का पता आपको तब चला जब आपने इसको पानी में घोला, पानी में घोला। तो याद ये रखिएगा कि किसी भी एसिड या बेस की असली, उसके नेचर का पता तब चलता है जब तक उसको आप पानी में घोलते हैं। समझ में आया ना? एसिड या बेस को तभी पता चलेगा जब आप उसको पानी में घोलेंगे, उसके बगैर पता नहीं चलेगा।
मतलब आपको उसको लिक्विड, मतलब आपको उसको लिक्विड फेज में लाना पड़ेगा, उसको आपको लिक्विड फेज में लाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो बच्चों यहां पर हमको तीन प्रकार के केमिकल स्टडी करने हैं, एक एसिड पढ़ना है, एक बेस पढ़ना है और एक सॉल्ट पढ़ना है। और टर्मरिक क्या होगा? ओके, अब टर्मरिक क्या होगा? देखिए भाई, टर्मरिक हल्दी, टर्मरिक अर्थात की हल्दी। कुछ लोग ऐसे हैं संसार में जो एसिड भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं संसार में जो बेस भी नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सॉल्ट भी नहीं है। बहुत लोग हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ ऐसे हैं जो एसिड भी नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो बेस भी नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो सॉल्ट भी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है इंडिकेटर। क्या नाम है? इंडिकेटर। तो ये जो हल्दी होती है, जो टर्मरिक होती है, वो इंडिकेटर होती है। क्या होती है? इंडिकेटर मतलब ही इंडिकेट करती है, ये जानकारी देती है। क्या देती है? जानकारी देती है कि सामने वाला एसिडिक है या सामने वाला बेसिक है, सामने वाला एसिडिक है या सामने वाला बेसिक है, ये जानकारी देती है। अब इस जानकारी को आप बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। खाना खाते वक्त अगर आपकी शर्ट में कभी भी हल्दी गिर जाए, क्या गिर जाए? हल्दी। जनरली आप खाना खा रहे होते हैं तो जो करी बनी होती है, सब्जी की जो करी होती है, सब्जी का रस जो होता है, उसमें हल्दी होती है। अगर वो हल्दी गिर गई तो हल्दी के गिर जाने से ये आपका स्पॉट हो जाएगा येल्लो कलर का। किस कलर का? येल्लो कलर का। फिर आपकी मम्मी यदि इस हल्दी के स्पॉट पे साबुन रगड़ दे, क्या रगड़ दे? साबुन रगड़ दे। ओके, सोप रगड़ दे, ठीक है ना। तो जैसे ही बच्चों इसके ऊपर सोप का एक्शन होगा, ठीक है ना, सोप का एक्शन होगा, तो ये जो स्पॉट है बच्चों, ये लाइट रेड कलर का बनना शुरू हो जाएगा, ब्राउनिश रेड टाइप का बनना ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो टर्मरिक होती है वो डिटेक्ट करती है बेस को, क्योंकि सोप के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बेस। और बेस के साथ टर्मरिक लड़ करके वो लाल कलर देती है। क्या देती है? लाल कलर। आपके किसी दोस्त को चोट लग गई हो और चोट लगने के बाद गांव की कन्वेंशनल दादी लोग जो होती हैं, हाथ वगैरह में चोट लग जाए तो हल्दी और चूना लगा देती हैं, तो आपने उसकी जो पट्टी देखी होगी वो येल्लो कलर की नहीं देखी होगी, हल्दी की पट्टी वो बिल्कुल ऑरेंज टाइप की हो जाती है या लाल टाइप की हो जाती है अगर चूना लगा है तो। केवल हल्दी से नहीं, चूना और हल्दी लगने से क्या हो जाएगा? लाल कलर की। किस कलर की हो जाएगी? लाल कलर, यानी कि रेड कलर की हो जाएगी। देखो जैसे ये आपका घुटना है, इस पे चोट लग गई, तो क्या करते हैं हमारे लोग? हम लोग पहले जो छिल गया है वहां पर लगाते हैं चूना। क्या लगाते हैं? चूना लगा दिया यहां पे, चूने का पाउडर व्हाइट कलर का यहां पे हमने लगा दिया, ठीक ना। तो यहां पे अपन ने ये चूना लगा दिया, ठीक। चूने के बाद क्या डाल दी भाई साहब? हल्दी डाल दी। क्या डाल दिया अपन ने? हल्दी डाल दी ऊपर से। तो चूना क्या है? बेस है। बेस। चूना क्या है? बेस। और हल्दी चूने को डिटेक्ट कर लेती है और डिटेक्ट करके कौन सा कलर दे देती है? ब्राउन, रेड ब्राउन कलर। कौन सा कलर? रेड ब्राउन कलर। इंडिकेटर है हल्दी, तो हल्दी बता देती है यहाँ पे चूना है, और चूने के साथ संपर्क में आते ही हल्दी कौन सा कलर दे देती है? ब्राउनिश कलर, लगभग लाल भूरा कलर, समझ गए? तो इस तरीके से पता चल जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गई बात समझ में ना? भाई आपने पान खाया है, खाया कि नहीं खाया? पान खाने के बाद आपका जीभ जो होती है वो किस कलर की हो जाती है? रेड कलर की। किस कलर की? रेड कलर की। बट पान में तो कोई रेड चीज नहीं डाली थी ना, बोलिए। तो किसका कमाल है? इंडिकेटर का। किसका कमाल है? इंडिकेटर का। पान में दो चीजें होती हैं, एक होता है चूना
एक क्या होता है? चूना। चूना जिसको आप लोग बोलते हैं लाइम। लाइम। और चूने के साथ साथ जो कत्था हुआ करता है, कत्था। क्या होता है? कत्था। ये दोनों मिलकर के रेड कलर जनरेट कर देते हैं। दो इंडिकेटर है? नहीं, ये अपना बेस है। ये क्या है? बेस। और ये है इंडिकेटर। कत्था क्या होता है? कत्थे को इंग्लिश में शायद लाख बोलते हैं, LAKH या CH, व्हाटएवर जो भी होगा, ठीक है ना। एक मटेरियल होता है वो भी, तो वो इंडिकेट करने का काम करता है। और जब भी वो बेस से टकराता है तो वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है? रेड कलर। और वो रेड कलर हमारी जीभ में फैल जाता है। समझ में आ गई बात? एनी प्रॉब्लम? चलिए तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। हम लोग टॉपिक पे आते हैं, बहुत दूर हो गए थे टॉपिक से। टॉपिक का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो स्टडी यही है कि हमारे जीवन में मटेरियल जो हमको पढ़ने हैं, है ना, टर्मरिक याद रखिएगा, टर्मरिक जो है इंडिकेटर है। टर्मरिक क्या है? और यहां लिखा हुआ टर्मरिंड यानी कि इमली। इमली जो है वो एसिड है। इमली क्या है? एसिड। एक्चुअली इमली को एसिड नहीं बोलेंगे, इमली एसिडिक है। इमली क्या है? एसिडिक। इमली एसिड नहीं है। इमली के अंदर जो एसिड पाया जाता है उस एसिड का नाम है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? यही उसमें पाया जाता है, नींबू के अंदर। नींबू में, माफ कीजिएगा, सॉरी, इमली के अंदर सिट्रिक नहीं, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। गलती हो गई थी मेरे से। तो इमली के अंदर टार्टरिक एसिड पाया जाता है, तो इमली एसिड नहीं है। एसिड कौन है? टार्टरिक। और इसकी प्रेजेंस की वजह से जो इमली होती है, जो टर्मरिंड होती है, वो एसिडिक हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है, खट्टी हो जाती है। तो याद रखिएगा कि एसिड और एसिडिक में अंतर है। एसिड मतलब जो खुद में कंप्लीट है, और एसिडिक मतलब जिसकी वजह से कोई दूसरा एसिड हो रहा है। आई मेरी बात समझ में? तो इमली एसिड है कि एसिडिक है? एसिडिक। एसिडिक है, बिल्कुल सही बात है, इमली एसिडिक है। टमाटर क्या है? एसिड है कि एसिडिक है? एसिडिक। एसिडिक है क्योंकि जो टोमेटो होता है बच्चों, टोमेटो खुद में एसिड नहीं है, टोमेटो के अंदर जो है वो पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड? जी हाँ, ऑक्सैलिक एसिड की वजह से टमाटर जो होता है, जो टमाटर होता है वो बन जाता है क्या, उसका कैरेक्टर एसिडिक हो जाता है। अब यहां पर बेस की आवाज आई तो मैं बता देता हूं, साबुन। बेस का मतलब साबुन। जो आप साबुन लेकर के आते हैं वो बेस है कि बेसिक है? बेस। गलत। साबुन बेस नहीं है, साबुन बेसिक है। साबुन क्या है? बेसिक है। क्यों? क्योंकि साबुन के अंदर एक बेस पाया जाता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो डिटर्जेंट आप लेकर के आते हैं वो बेस है कि बेसिक है? बेसिक है। डिटर्जेंट पाउडर, क्योंकि उसके अंदर भी बेस पाया जाता है। समझ में आ गया? बेस पाया जाता है, ठीक ना। दूध मीठा नहीं है, दूध में मिठास है, क्योंकि दूध में शक्कर डाली जाएगी तब मिठास आएगी। बोलिए हाँ, है ना, क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा शक्कर क्या है? शक्कर क्या है? लीजिए भाई साहब, अब इन्होंने पूछ लिया कि शक्कर क्या है, तो शक्कर का जो सही फॉर्मूला है उसे केमिस्ट्री में कहते हैं ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ना तो एसिडिक है और ग्लूकोज ना तो बेसिक है, इंडिकेटर है बिल्कुल भी नहीं। मैंने बताया था चैप्टर के स्टार्ट में, बिल्कुल हाँ, ये न्यूट्रल तो है। ग्लूकोज क्या है? न्यूट्रल। मगर ये सॉल्ट भी नहीं है, मतलब ग्लूकोज एसिड भी नहीं है, ग्लूकोज बेसिक भी नहीं है, ग्लूकोज सॉल्ट भी नहीं है। तो कुछ ऐसे भी केमिकल हैं जो एसिड भी नहीं है, जो बेसिक भी नहीं है, और जो सॉल्ट भी नहीं है। क्लियर हो गया? ये इनको केमिकल कहिए आप। प्योर केमिकल। प्योर केमिकल तो केमिकल है, इनका नाम क्या है? ग्लूकोज बताया ना नाम। ये पूरे ग्रुप का एक ही नाम ग्लूकोज? नहीं, ग्लूकोज तो एक ग्रुप का नाम क्या है? इनके किसी ग्रुप का कोई नाम नहीं है, इनके ग्रुप का कोई नाम नहीं है, नहीं है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, आपके स्कूल में कुछ दोस्त लोग हैं जो लोग बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, उस गैंग का नाम रख दीजिए गुस्सा गैंग। एक जो है बहुत खुश रहते हैं, किसी को चोट लग गई वो भी खुश रहते हैं, हाँ मजा आ गया, उसको कह दीजिए कूल गैंग। क्या कह दीजिए? कूल गैंग। अब कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं रहते हैं,
उनका कुछ अता पता ही नहीं, नहीं है, समझ गए जी? अननोन गए। हाँ, तो आप उनको नाम नहीं दे सकते हैं। हाँ। तो ऐसे ही मैंने बताया कि केमिकल में कुछ टाइप हैं एसिड, कुछ टाइप हैं बेस, कुछ हैं सॉल्ट, कुछ हैं इंडिकेटर, और बहुत सारे हैं जिनका कोई नाम क्लासिफाइड नहीं है। बहुत सारे हैं जिनका कोई नाम क्लासिफाइड नहीं है, क्योंकि ना तो वो एसिडिक हैं, ना तो वो बेस हैं, ना तो वे सॉल्ट हैं, ना तो वो इंडिकेटर हैं। उनका कोई रोल ही नहीं है, उनका कोई रोल ही नहीं है, इसलिए सिंपल सिंपल उनको केमिकल ही जाना जाता है। एक सिंपल सिंपल क्या जाना जाता है? केमिकल ही जाना जाता है। अब जैसे मैं बोलूंगा वाटर H2O, क्या H2O एसिड है? नहीं, नहीं। क्या H2O बेस है? नहीं। क्या H2O सॉल्ट है? नहीं। क्या H2O इंडिकेटर है? नहीं, नहीं। तो H2O सिंपली क्या है? केमिकल। H2O सिंपली एक केमिकल है, H2O सिंपली एक केमिकल है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है। तो जो लोग कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो H2O एक कंपाउंड है। H2O क्या है? कंपाउंड। बच्चों देर हो रही है, चैप्टर में जल्दी से आते हैं, काफी देर हो रही है चैप्टर में आने में। वी यूज इन अवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टर्मरिंड, कॉमन सॉल्ट, सुगर एंड विनेगर। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, सच एज लेमन, नींबू, टर्मरिंड, इमली, कॉमन सॉल्ट, नमक, खाने का नमक, सुगर, शक्कर एंड विनेगर। डू दे हैव सम टेस्ट? क्या आपने इनको टेस्ट किया है? बिल्कुल किया है, सबको टेस्ट किया हमने। डू दे हैव सम टेस्ट? लेट अस रिकॉल टेस्ट सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन फोर टेबल 4.1। इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी दीज सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट। लियो भाई साहब आइए, टेबल 4.1 शुरू हो चुकी है। कॉशन, यानी कि यहां पर सावधानी दी गई है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। अब ये नहीं कि भाई साहब जिस टेबल में जो ना बोला गया उसको भी आप टेस्ट कर लो, ठीक है ना? बोले एसिड टेस्ट करना है तो बाथरूम गए और मम्मा ने बोला बाथरूम में एसिड रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? एसिड, और टेस्ट कर मारा, समझ गए? मम्मा ने बोला था बेटा टॉयलेट एसिड से धोते हैं, तो आपने बोला हमारे सर तो एसिड पढ़ा रहे हैं और सर ने एक्टिविटी दी है एसिड टेस्ट करने को, चलो शुरुआत उसी टॉयलेट वाले एसिड से करते हैं, समझ गए? एक बार टेस्ट किया, फिर दोबारा कुछ किसी चीज का टेस्ट समझ में ही नहीं आएगा, आपकी जुबान ही जल जाएगी, समझ गए? गला भी पूरा। वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल एसिड होता है, इसलिए यहां पर एक्टिविटी में कॉशन दिया गया है कि जब तक कुछ बोला ना जाए मत करो भाई साहब। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, एक बिना किसी चीज को बोले वो उसको छूना भी नहीं है, छूना भी नहीं है, यस, छूना भी नहीं है। मैं कह रहा हूं छूना ही क्यों, बिल्कुल नहीं छूना, उंगली जले ना जले वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं, लेमन जूस टेस्ट करिए, बताइए शोर यानी खट्टा, बिटर यानी कड़वा, या एनी अदर? शोर। ऑरेंज जूस? शोर। विनेगर? शोर। भाई विनेगर आपने टेस्ट नहीं किया इसका मतलब। आपने चाउमीन खाई? बिल्कुल खाई। आपने चाउमीन के साथ टमाटो केचप डलाया? बिल्कुल डलाया। और अगर कभी चाउमीन खाते हैं, विनेगर कहाँ खाया होगा आपने? चाउमीन में विनेगर पड़ता है? नहीं नहीं, खाया तो है विनेगर। कभी आप किसी होटल में जाइए तो होटल में जा करके, बड़े होटल्स में जब आपको प्याज सर्व की जाती है तो प्याज एक लिक्विड में डूबी हुई रहती है और प्याज बड़ी खट्टी लगती है। वो जो लिक्विड होता है उसकी वजह से प्याज सड़ती नहीं, हो बदबू नहीं मारती है। प्याज एक ऐसी चीज होती है अगर आप उसको काट करके रख दें 2 घंटे के लिए, ऐसी बदबू मारेगी कि आप खा नहीं पाएंगे। प्याज और लहसुन, तो आपको वो वहां पर एक विनेगर में डिप करके दी जाती है। और जो लिक्विड होता है वो लिक्विड जो होता है कलरलेस लिक्विड, वो कहलाता है विनेगर। क्या कहलाता है? विनेगर। इसे हिंदी में बोलते हैं सिरका। क्या बोलते हैं? सिरका। और ये चाउमीन में भी पड़ता है, जो लोग बनाते हैं, जो लोग शौकीन होते हैं वो चाउमीन में खाते हैं सिरका को, इससे खट्टापन आता है। ओके तो भाई विनेगर का टेस्ट क्या होता है? सोर। कर्ड का टेस्ट क्या होता है? सोर। टर्मरिंड इमली का टेस्ट क्या होता है? सोर। शुगर का टेस्ट क्या होता है? स्वीट। कॉमन सॉल्ट का टेस्ट क्या होता है? लो। सॉल्ट का टेस्ट क्या बोला जाए भाई? सॉल्टी।
सॉल्ट के टेस्ट को तो हम सॉल्टी बोलेंगे। आंवले का टेस्ट क्या होता है? सोर, खट्टा होता है भाई। बेकिंग सोडा कैसा होता है? बिट्टर। अब आपने बेकिंग सोडा खाया नहीं है, बिल्कुल सही बात है, खाना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा खा लेंगे तो आपका पेट खराब कर देगा। बेकिंग सोडा बेटा थोड़ा सा कड़वा होता है। ग्रेप्स कैसे होते हैं? सोर, खट्टे होते हैं। अनराइप मैंगो भाई साहब मुझे बहुत पसंद है, कच्चा आम। ककंबर कैसी होती है? टेस्टलेस। मगर ककंबर का आपने हल्का सा स्वाद, थोड़ी स्वीट होती है, थोड़ी सॉल्टी होती है। सॉल्टी तो बिल्कुल नहीं होती, नमक डाल के खाते हैं। ककंबर खाने के बाद आपने एक चीज फीलिंग करी होगी, एक तो मतलब ककंबर यदि बोली जाए तो वैसे होती है टेस्टलेस। क्या होती है बेटा? टेस्टलेस। ना खट्टी होती है, ना मीठी होती है। भाई टेस्ट की बात नहीं हो रही, वॉटरी कोई टेस्ट नहीं होता है। ककंबर जो होता है टेस्टलेस होता है, बट यदि ककंबर का आप पीछे का हिस्सा खाएं जो एंड पे होता है तो ये होता है बिटर। क्या होता है ये? हाँ, तो यहाँ के ककंबर का जो पीछे वाला हिस्सा वो क्या है? बिटर है। अब आइए एक्टिविटी में आगे चलते हैं। यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर एंड सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। इसमें से कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे और सॉल्टी यानी कि कुछ नमकीन लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? नमकीन लग रहे हैं। एसिड एंड बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। दी सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज ऑफ द कंटेन एसिड। ये सब्सटेंसेस खट्टे लग रहे हैं, श्योर लग रहे हैं, बिकॉज ये क्या कंटेन करते हैं? एसिड्स। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। हाँ, इन सब्सटेंसेस का नेचर क्या है? एसिडिक। ये खुद में एसिड नहीं है, इनका नेचर एसिडिक है और ये अपने अंदर एसिड प्रेजेंट करते हैं। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एकेयर, है ना? मे बी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ शायद, इसका मीनिंग मेरे को पढ़ाऊँ, है ना? एसियर होगा या एकेयर होगा, जो भी होगा। विच मीन्स सोर, विच मीन्स सोर। भाई केमिस्ट्री जो है, ज़्यादातर केमिस्ट्री डेवलप हुई है लैटिन लैंग्वेज से। किस लैंग्वेज से? Latin. तो लैटिन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है एकेयर, एसियर, और एसियर से बना है, ए सी ई आर से बना है, एसिड। क्या बना है? एसिड। समझ में आया ना? एसियर चला वहां से और एसिड बन गया। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस, द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नेचुरल एसिड। जी भाई बिल्कुल सही बात है। अब एसिड के टाइप है, कुछ एसिड वो हैं जो नेचर में ही पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ एसिड ऐसे हैं जो कहां पाए जाते हैं? नेचर में। उन एसिड को हम बोलते हैं नेचुरल एसिड। क्या बोलते हैं? नेचुरल एसिड। ऐसे एसिड जो नेचर में ही पाए जाते हैं, एसिड के टाइप की बात हो जानी चाहिए यहाँ पे। तो कुछ एसिड है जो हमको बाई नेचर मिले हुए हैं, बाई उनको हम बोलते हैं नेचुरल एसिड। कौन से एसिड? नेचुरल एसिड। बट कुछ एसिड हमने लेबोरेटरी में बनाए हैं, मैन मेड है। क्या है भैया? ऐसे एसिड को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एसिड। कौन से एसिड? आर्टिफिशियल एसिड। अभी आप पढ़ेंगे कि काफी सारे नेचुरल एसिड हैं और काफी सारे मैन मेड एसिड हैं। आई बात समझ में? आइए देखते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा क्या है भाई साहब, बताइए क्या लग रहा है? बेकिंग सोडा आपको एसिड है कि बेस है? बेस तो हो ही नहीं सकता, बेसिक बेसिक होगा, बेसिक है ना? मैंने बताया था कि चीजों का करेक्टर होता है। आप मीठे नहीं हो, दूध मीठा नहीं, शक्कर मीठी है, याद रखना। What is about baking soda? Does Alto taste sour? No. If not, what is its taste? Since it does not taste sour, it means that it has no acid in it. It is bitter in taste. If you rub its solution between the finger, it feels soapy. अगर आप baking soda के solution को लेके, पानी में लेके हल्का सा baking soda, आप अपने उंगलियों में इसे रखेंगे तो आपको ये पिलपिला फील होगा। कैसे फील होगा? पिलपिला। कैसा फील होगा? पिलपिला। पिलपिला। और ऐसे मटेरियल जो आपको पिलपिला फील कराएं, मतलब समझ जाइए वो सोप है। क्या है वो? सोप, सॉरी, बेसिक है। क्या है वो? बेसिक है। अभी आपने देखा होगा हमारे घर में वो आया बलून, बच्चों का फुलाने वाला, देखा था आपने बलून फुलाने वाला? अगर गलती से कभी आपके हाथ में गिरा हो वो,
फिंगर्स में, तो आपने देखा था वो बिल्कुल पिलपिला था कि नहीं था? क्या चीज? उसका सॉल्यूशन, बलून जो फुलाते हैं बच्चे, बलून वो बुलबुले जो होते हैं, बुलबुले फुलाने वाले, हवा में जो बुलबुले फुलाते हैं, कभी आपके सॉल्यूशन आपके हाथ में पड़ा? हाँ। कैसा होता? बहुत चिकना होता है, बहुत पिलपिला होता है। जी हाँ, तो वो बेसिक है। क्या है वो? बेसिक है, मतलब उसके अंदर बेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? अच्छा, मतलब इनको बेस प्रेजेंट है। देखिए, टेस्ट तो आप एसिड को भी नहीं कर सकते हैं, कुछ को कर सकते हो मगर कुछ को नहीं कर सकते हो। बोलो। हाँ जी, वो अपने में एसिड है भाई। कुछ एसिड, एसिड कुछ, आप जैसे एसिड में बात की जाए, विनेगर, विनेगर अपने आप में एसिड है, विनेगर अपने आप में एसिड है, बट आप इसको टेस्ट कर सकते हो, बट आप इसको टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो कौन सा एसिड है? नेचुरल भी है। ना 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 ना, ये जो एसिड है इसको बोलते हैं हम डाइल्यूट एसिड। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब कि ये माइल्ड एसिड है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बहुत खतरनाक परेशान करने वाला एसिड नहीं है। बट यदि आपने बात कर ली कि भाई साहब हम तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट करेंगे, टॉयलेट वाला, तो आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते हो। ऐसे कुछ बेस हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हो, कुछ बेस हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हो, जिन बेस को आप टेस्ट कर सकते हो उनको आप बोलते हो माइल्ड बेस। क्या बोलते हो? माइल्ड बेस। डाइल्यूट नहीं बोल सकते इनको? हाँ, इनको डाइल्यूट भी बोल सकते हो। और कुछ बेस है जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कौन से बेस? स्ट्रॉन्ग बेस या कंसंट्रेटेड बेस। हाँ। तो स्ट्रॉन्ग बेस को या इसको माइल्ड बेस को वीक बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक बेस, या ऊपर वाले को वीक एसिड भी बोलते हैं, जो मैंने बताया था डाइल्यूट एसिड, या इसी को बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं? वीक एसिड। तो वीक एसिड और वीक ए बेस को आप खा सकते हो, और खा उनको सकते हो जो खाने वाले हों। हाँ। समझ गए? जो खाने वाले बेसिस हों, खाने वाले एसिड हो, उनको टेस्ट कर सकते हो। ठीक। अब आप जहर तो टेस्ट नहीं करोगे ना, कि मैं जहर का टेस्ट बता रहा हूँ कि जहर का टेस्ट कैसा है, तो खाने वाला होना चाहिए, ठीक है ना? तो माइल्ड यानी कि वीक एसिड और वीक बेस को आप टेस्ट कर सकते हो, मगर सारे बेस को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। समझ गए ना? तो टेस्ट करना ही पैमाना नहीं है कि मैं टेस्ट करके ही बताऊंगा। जब मैं ही नहीं बचूंगा तो टेस्ट का क्या मतलब रह जाएगा? समझ गए ना? तो जिनको हम टेस्ट कर पाए, हमने उनको टेस्ट के आधार पर बता दिया कि भाई साहब कड़वे हैं। अब जिनको टेस्ट नहीं कर पाए, तो उनको हमने क्या करा? टच करके बताया, शैम्पू। शैम्पू कैसा होता है? पिलपिला होता है, बेस है। तो जनरली तो कह रहा है कि हैज इट इज बिटर इन टेस्ट, इफ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन द फिंगर्स इट फील सोपी। ये साबुन जैसा पिलपिला लगता है। जनरली सबस्टांस दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर कॉल्ड बेसिस। ऐसे सबस्टांस जो कड़वे होते हैं और टच करने में सोपी होते हैं, पिलपिले होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। द नेचर ऑफ सबस्टांसेस आर सेड टू बी बेसिक। ऐसे सबस्टांसेस का नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। क्लियर हो गया? इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सबस्टांसेस, हाउ डू वी फाइंड द नेचर? बहुत बढ़िया बात आ गई भाई साहब। जरूरी तो नहीं कि आप सब चीज को टेस्ट करके देखोगे। टॉयलेट क्लीनर को टेस्ट तो नहीं किया जा सकता ना। तो एक बच्चा जिसको उसके डैडी ने बताया नहीं है कि बेटा वो एसिड है, वो कैसे जानेगा कि वो एसिड है या बेस है? उसके लिए सवाल है कि नहीं है? इस बोतल में, आपके सामने जो बोतल रखी हुई है घर में आपके, उसमें एक कलरलेस केमिकल भरा हुआ है, दैट इज नेम वाटर। यस और नो? बट आप अपने किसी शरारती दोस्त के यहां जाते हो, जो बहुत ही शरारती है, जिसका रिकॉर्ड बहुत खराब है, तो आप उस बॉटल के अंदर भरे हुए चीज को पीने से सावधान रहोगे, क्योंकि आपका दोस्त आपके साथ मजाक कर सकता है। देन हाउ डू यू नो कि उस बॉटल के अंदर जो भरा हुआ केमिकल है वो एसिड है या बेस है? क्या आप उसको टेस्ट कर सकते हो? नहीं। ठीक है, मैं यहां ये बोल करके दोस्तों की मंशा पर सवाल नहीं उठाना चाह रहा हूं, मैं केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे दोस्त खराब होते हैं, मेरे तो की तरफ से सारे दोस्त अच्छे होते हैं, मगर फिर भी मेरी समझने की कोशिश है कि एक लिक्विड जो पानी जैसा दिख रहा है अंदर भरा हुआ है, जरूरी नहीं कि वो लिक्विड हो। अब आप बताना चाहते हो कि ये एसिड है या बेस है, तो क्या इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सबस्टांसिस,
हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, हम कैसे फाइंड करेंगे? तो भैया हमारे पास दूसरी चीज हमें नेचर ने दी है जिनका नाम है इंडिकेटर. क्या नाम है? इंडिकेटर. जी हाँ. स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर सब्सटेंसेस इज एसिडिक और बेसिक. दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर. ऐसे सब्सटेंसेस जो पहचान लगाने का काम करते हैं कि सामने वाला एसिड है या बेसिक है, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर. इंडिकेटर वर्ड बड़ा अच्छा है. मेरी गाड़ी में दो इंडिकेटर हैं, एक लेफ्ट का एक राइट का. मैं जला देता हूं इंडिकेटर तो मेरे पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाता है कि भाई साहब यहां मुड़ेंगे या यहां मुड़ेंगे. तो इंडिकेटर पहचान लगाने का पता करते हैं. अब आपके मन में ज्यादा सवाल आ रहा होगा कि क्या इंडिकेटर ये पता लगा सकते हैं कि दो हैं अगर एसिड, एक ए है और एक क्या है, बी है, इनमें ज्यादा वाला खतरनाक वाला एसिड कौन सा है, इनमें तगड़ा एसिड कौन सा है? जवाब है नहीं. इंडिकेटर ने केवल ये पहचानने का ठेका लिया है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है. ये नहीं बताएंगे कौन सा तगड़ा वाला है. जैसे मेरी गाड़ी का इंडिकेटर जलेगा तो मेरी गाड़ी के पीछे वाला ये नहीं बता सकता है कि लोकेश सर कितनी जोर से मुड़ेंगे, थोड़ा सा मुड़ेंगे या ज़्यादा मुड़ेंगे. वो बस यही बता पाएगा कि मुड़ेंगे. क्यों भाई साहब, सही बोल रहा हूँ ना? ऐसे इंडिकेटर भी बता पाएंगे. ठीक है. तो फिर बाद में एक और व्यवस्था की गई जिसको देख करके ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है. अब उसकी बात क्लास 10th में आएगी. कई सारे इंडिकेटर को मिला करके एक नया इंडिकेटर बनाया गया जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर. क्या नाम है? यूनिवर्सल इंडिकेटर. जी हाँ, वो बताता है दो लोगों में. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको बताएगा क्लास 10th में कि दोनों में ज्यादा वाला स्ट्रॉन्ग कौन सा. बट अब ये सिलेबस में नहीं है तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं. द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस. जी हाँ, इंडिकेटर अपना कलर ही चेंज कर देते हैं. इंडिकेटर क्या कर देते हैं? अपना कलर चेंज कर देते हैं. जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम है लिटमस. क्या नाम है? लिटमस. तो बच्चों, जी हाँ, वो चाइना रोज से बनता है. तो लिटमस जो होता है एक प्रकार का पेपर होता, केमिकल होता है. पेपर एक प्रकार का क्या होता है? केमिकल. उस केमिकल को पेपर के ऊपर लगा देते हैं तो वो पेपर कहला जाता है लिटमस पेपर. क्या कहला जाता है? लिटमस पेपर. ये एक प्रकार के पौधे से मिलता है जिसका नाम है लिचेन. क्या नाम है? लिचेन नाम के पौधे से मिलता है. तो लिटमस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस. एक होता है ब्लू, एक होता है रेड. एक्चुअली ये शुरुआत में एक केमिकल होता है, उसको ये पेपर पे लगा देते हैं क्योंकि पेपर पे लगाने से ये इजी हो जाता है इसका यूज करना. ये नहीं सोच लेना कि लिचेन के पौधे से पेपर भी निकलेगा. नहीं, लिक्विड निकलेगा उसका. उस लिक्विड को ये लोग पेपर पे छपा करके एक बन जाता है ब्लू पेपर और एक बन जाता है रेड पेपर. दो प्रकार के, बिल्कुल दो प्रकार के लिचेन से लिटमस निकलते हैं. सोल्यूशन दो प्रकार के लिटमस सोल्यूशन, एक ब्लू लिटमस सोल्यूशन, एक रेड लिटमस सोल्यूशन. अब देखिए भाई, अगर ब्लू लिटमस पेपर है, ये कैसा लिटमस पेपर है? ब्लू. और अगर आप इस ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर, इस ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर यदि आप बेस डाल देंगे, क्या डाल देंगे? बेस. यानी कि आप इस पे चूना रगड़ देंगे. क्या रगड़ देंगे? चूना रगड़ दीजिए या साबुन रगड़ दीजिए तो मालूम है किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का. बच्चों ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है आप लोग के स्कूल में. आप लोग अपने साइंस टीचर से इसको देख सकते हैं, बहुत सस्ता आता है. ये ब्लू कलर का एक पेपर होता है बिल्कुल, और ब्लू कलर के ऊपर जैसे ही आप इस पे बेस डालते हैं तो ये किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा. समझ गए? तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ ब्लू लिटमस पे आपने क्या रगड़ दिया? बेस. तो ये क्या बन जाएगा? रेड बन जाएगा. इसी तरीके से ये कौन सा लिटमस है? रेड लिटमस है. अगर आप रेड लिटमस पर एसिड डाल देंगे तो फिर ये ब्लू हो जाएगा, है ना? तो एसिड डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा. एसिड जो होता है, हाँ, इसमें अभी अपने बेस डालना रेड हो जाएगा. ब्लू में बेस डाला तो रेड हो गया. मैंने गलत बता दिया यहाँ पे, सॉरी, माफ कीजिएगा. एसिड जो होता है वो रेड, ब्लू को रेड में बदलता है.
अब देखिए कितनी खतरनाक वाली डाउट बन जाती है यहाँ पे। हाँ तो याद रखिएगा, जो एसिड होगा वो रेड लिटमस को किस में बदल देगा? ब्लू में। और जो बेस होगा वो ब्लू को रेड। हाँ ये तो मैंने ठीक लिखा था ना? हाँ। यही तो लिखा था। हाँ तो बिल्कुल यही था। तो एसिड जो होगा वो रेड को ब्लू बदल देगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, मैंने आपको बताई थी आज। अनिल, क्या नाम है? अनिल। अनिल ये कभी नहीं भूलती मेरे को। अनिल, ए फॉर एसिड, एन आई फॉर नीला, एल फॉर लाल, है ना? तो जो एसिड होता है वो नीले को लाल कर देता है। अब देखिए इस ट्रिक से, यहां में मैंने क्या लिया था? ओ तो देख लो हमने गलती कर दी। अब हमको पता चल चुका है, ये देखिए यहां पर कितनी गलतियां निकल के आ चुकी हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू को रेड कौन करेगा? एसिड करेगा। ये देखिए, तो एसिड जो होगा वो ब्लू लिटमस को किस में बदल देगा? रेड में बदल देगा, ठीक है ना। और जो बेस होगा वो रेड लिटमस को किस में बदल देगा? ब्लू में। देखिए ये ट्रिक जो है ना बहुत बचा लेती है, कई बार गलती हो जाती है बच्चों। सॉरी मेरे से भी गलती हो गई यहाँ पे। याद रखिएगा अनिल, क्या याद रखिएगा? अनिल। अनिल मतलब एसिड नीले को लाल कर देता है। ओके, तो जो एसिड होगा वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। और जो बेस होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया बच्चों? यस। तो हम बात कर रहे थे कुछ इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर में हमारे पास कुछ इंडिकेटर हैं। एक है टर्मरिक, क्या है? टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज पेटल्स, इसको हिंदी में हम लोग गुड़हल गुड़हल बोलते हैं, एटसेट्रा आर सम नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर। ये जो इंडिकेटर हैं ये हमको नेचर में मिल जाते हैं, समझ गए? अब आइए देखते हैं, डू यू नो, हम कुछ एसिड्स के बारे में देखते हैं जो हमको बाई नेचर मिलते हैं। तो सबसे पहला है, ये हमारे जितने भी एसिड हैं ये नेचुरल एसिड हैं। कौन से एसिड है? नेचुरल एसिड्स हैं। ओके, यहाँ जो हमको मिल रहे हैं कौन से एसिड है? नेचुरल एसिड। तो पहला एसिड है एसिडिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिडिक एसिड आपको पता किस में पाया जाता है? विनेगर में। किस में पाया जाता है? विनेगर। हाँ, विनेगर में एसिडिक एसिड होता है। एक्चुअली विनेगर जो होता है एसिडिक एसिड और पानी मिलाने से बनता है। तो विनेगर में क्या होता है? एसिडिक एसिड प्लस वाटर, एसिटिक एसिड प्लस वाटर। समझ में आया? एसिटिक एसिड प्लस वाटर, हाँ, एसिडिक एसिड प्लस वाटर इक्वल टू विनेगर। सही बात है। यस कि नो? कि विनेगर प्लस वाटर इक्वल्स टू एसिडिक एसिड। विनेगर प्लस वाटर इक्वल टू एसिटिक एसिड नहीं, एसिडिक एसिड प्लस वाटर इक्वल टू विनेगर। तो फिर एसिडिक एसिड कैसे मिलेगा विनेगर में? अच्छा, आप बॉटल खरीदने गए मार्केट में, क्या मिलेगा आपको मार्केट में? विनेगर मिलेगा। क्या मिलेगा? विनेगर मिलेगा। क्या मिलेगा? विनेगर। तो विनेगर सोल्यूशन होगा। विनेगर क्या होगा? सोल्यूशन किसका? एसिडिक एसिड का। मतलब एसिडिक एसिड और वाटर इसमें मिले होंगे। हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? नॉट क्लियर? नहीं क्लियर। क्लियर, चलिए अगला। आंट स्टिंग में, चींटी की डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। साइट्रस फूड, जितने भी खट्टे फूड होते हैं, समझ गए जी? खट्टे फूड होते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनमें सब में साइट्रिक एसिड। कर्ड में कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। स्पिनच में कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक। स्पिनच के साथ साथ भाई साहब टमाटो में कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। आंवला में और साइट्रस फ्रूट में कौन सा एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी बहुत होता है एस्कॉर्बिक एसिड में। टर्मिनेंट ग्रेप्स, अनरिप मैंगो, इन सब में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। जो आपको समोसे की चटनी डलती है ना, जो मजा आता है उसमें, वो टार्टरिक एसिड की वजह से आता है। समझ में आ गया? ऑल द मेंशंस अबव एसिड अकर इन नेचर, ठीक है। अब बेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बेस की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस का नाम है, किसमें पाया जाता है? लाइम वाटर में। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में पाया जाता है? विंडो क्लीनर में। किस में पाया जाता है? विंडो क्लीनर। आपने देखा होगा टीवी में एक एडवर्टाइज जाता है प्रिल, है ना? प्रिल जो पूरा क्लीन करती कपड़ा मार करके, वो लेडीज टीवी वगैरह कांच वगैरह, प्रिल, अच्छा, है ना? वो उसमें पाया जाता है विंडो क्लीनर, फुसफुस करते हैं उसमें, हाँ। है ना? देन साबुन में कौन सा पाया जाता है? मैंने वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम
हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके फॉर्मूले होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बोलिए मेरे साथ, NaOH। Na का मतलब होता है सोडियम, ये कंप्लीट है एक, फिर O फॉर ऑक्सीजन और H फॉर हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये जो बेस है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, मिल्क ऑफ जी हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार की जो होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में एक प्रकार का व्हाइट कलर का सोल्यूशन होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार का व्हाइट कलर का सोल्यूशन होता है। ये देखिए आपको मैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिखा रहा हूं यहां पे, ये देखिए रिगल्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये देखिए व्हाइट कलर की सीसी इसके अंदर रखी हुई है, देख रहे हैं आप, ये सुनो, ये पेट के अंदर की एसिडिटी के लिए यूज किया जाता है, जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो एसिड ज्यादा बन जाता है, तो एसिड को खत्म कौन करता है, बेस, कौन खत्म करता है, एसिड का दुश्मन बेस होता है, एसिड को खत्म करने वाला, जब पेट में ज्यादा एसिड बन जाएगा तो उसको कौन खत्म करेगा, बेस, इसलिए बेस का दूसरा नाम है एंट एसिड, क्या नाम है, एंट एसिड, एंट यानी एंटी वाला उल्टा, तो ये देखिए लिखा है रिगल्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज कॉल्ड एंट एसिड, तो जो पेट की दवाइयां होती हैं इसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हुआ करता है, ठीक है, और बढ़िया काम करता है आपका, देखिए सस्ती दवाई है, 40 रुपये एक बोतल का दाम है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आपके पेट की एसिडिटी खत्म कर देगा ये, क्योंकि पेट में ज्यादा एसिड बन जाएगा तो ये क्या करेगा, बेस है, क्या है ये, बेस है। अब मुझे बताइए सोच करके, ये स्ट्रांग बेस होगा कि वीक बेस होगा, बिल्कुल सही बात है, वीक बेस, क्योंकि हम लोग खाते हैं इसको, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये दवाई आपने देखी होगी मार्केट में इस तरीके की बोतल में आती है, ये भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है, ये भी क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए तो आगे देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर कौन सा बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं भाई ये क्या कहते हैं, कैन आई टेस्ट ऑल सबस्टांसेस टू फाइंड देयर टेस्ट, कैन आई टेस्ट ऑल सबस्टांसेस टू फाइंड देयर टेस्ट, भाई मुझे तो नहीं लगता कि तुम हर चीज टेस्ट करोगे, ठीक है ना, गरम लोहा टेस्ट तो नहीं कर लोगे भाई, टेस्ट पता करना है तो, नो हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, क्या तुमने पढ़ा नहीं, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सबस्टांसेस दे कुड हार्म अस, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। ये देखिए आपके सामने ये लिटमस दिख रहा है, ये ब्लू लिटमस पेपर है और ये कौन सा है, रेड लिटमस पेपर, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है। अब आइए देखते हैं व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, हमारे आसपास जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं, ओके, नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, लिटमस अ नेचुरल डाई, नेचुरल डाई, डाई क्या होता है, अब आप सोचेंगे डाई क्या होता है, डाई को हिंदी में बोलते हैं रंजक, क्या बोलते हैं रंजक, जो कलर करे। आपके मम्मी ने देखा है आपने बाथरूम में, आपके बाथरूम में रखा हुआ है एक नील की डिब्बी रखी हुई, रखी हुई आया नया उजाला चार बूंदों वाला रखा हुआ है, तो बेटा उसके अंदर प्योर ब्लू कलर का ही सब कुछ भरा हुआ है, बोलो हाँ ना, एक ब्लू कलर का लिक्विड भरा हुआ है, बोलो हाँ सुनो, तो ये जो ब्लू कलर का लिक्विड है इसको हम बोलते हैं डाई, क्या बोलते हैं डाई। अब इस डाई का यूज क्या है, इस डाई का यूज करने के लिए आप डाई को जैसे इसके तो ऐसे ही जो लिटमस होती है ना वो एक डाई होती है, क्या होती है लिटमस, एक डाई, वो एक पेड़ से मिलती है लिचेन नाम के पौधे से, वो डाई होती है। फिर क्या ले लेते हैं, एक सिंपल पेपर ले लेते हैं और इस पेपर में इस डाई को फैला देते हैं, बोलो हाँ, और फिर धूप लगेगी हवा लगेगी तो ये क्या होगा, इसका पानी से एक डाई होती है, लिटमस एक डाई होती है, बिल्कुल सही। और फिर पेपर लेते हैं और उस डाई को निकाल कर पेपर 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 में सुखा देंगे, सुखा देंगे तो डाई इसमें सूख जाएगी, बोलो हाँ, चिपक जाएगी, डाई इसमें सूख जाएगी, चिपक जाएगी और ये बन जाएगा लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। आई बात समझ में, क्लियर की नॉट क्लियर? अरे भाई आपने अमावट खाया है आम पापड़, आम पापड़, आम का जूस तो आपने देखा होगा बिल्कुल पीपला होता है, बोलो हाँ, मगर वो आम पापड़ कैसा होता है, बिल्कुल अच्छे स्लाइस स्लाइस होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना, तो वैसे ही उनको भी सुखा दिया गया, ऐसे डाइस को भी आप सुखा सकते हो। तो हम पढ़ते हैं देखिए, नेचुरल डाई मतलब शुरुआत में वो लिक्विड फॉर्म में निकलती है। अ मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, इट इज एक्सट्रैक्टेड बाई द लिचेन, एक्सट्रैक्टेड बाई द
ये एक पौधा भाई साहब, इसको लिचन बोलते हैं। ये लिचन से निकाली जाती है। इट हैज़ ए माव पर्पल कलर डिस्टिल्ड वाटर। अब जब ये निकलती है ना बेटा, तो ये माव यानी पर्पल कलर इस डिस्टिल्ड वाटर होता है। पर पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर मतलब कि आप जानते हो ना डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। डिस्टिल्ड वाटर जो पानी का भाप बना करके निकलता, तो अगर डिस्टिल्ड वाटर में इसका इस डाई का सोल्यूशन बनाया जाता है तो ये किस कलर की बनती है, पर्पल कलर की। ओके, तो मैं आपको लिटमस सोल्यूशन भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ना, ये लिटमस सोल्यूशन है। क्या है ये? लिटमस सोल्यूशन है, वही जिस सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। ये प्योर पर्पल कलर का सोल्यूशन है, रेड वो लिखा है रेड, बट एक्चुअली पर्पल है ये। ठीक है, ये देखिए इस डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये प्योर लिटमस है जो पर्पल कलर का है। ओके, अब जैसे ही आप इसमें एसिड मिलाते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, और इसमें आप यदि बेस मिलाते हैं तो ये किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का। ओके, आप देखिए ओरिजिनल कलर ये है, दिख रहा आपको? ये देखिए, ये इसका ओरिजिनल कलर है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये आपका इसका ओरिजिनल कलर है। क्लियर हुआ? हाँ, ये आपका इसका ओरिजिनल कलर है। ये एसिड मिलाने के बाद है और ये बेस मिलाने के बाद है। अल्कली मतलब बेसिक सोल्यूशन, अल्कली मतलब बेस, बेस का ही नाम है, अब ज़्यादा आगे मत जाइए, ये बेस है। तो लिटमस का आप ओरिजिनल कलर देख लीजिए, ये होता है पर्पल कलर का। उसी में आप एसिड मिलाएंगे तो ये कलर बन जाएगा, उसी में आप बेस मिलाएंगे तो ब्लू कलर बन जाएगा, ब्लूइश पर्पल। क्लियर हो गया? और इसी लिटमस के सोल्यूशन का यूज करके लिटमस पेपर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये डाई है। ये डाई है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये डाई है। उसको पेपर के ऊपर सुखा, बिल्कुल इसको पेपर के ऊपर सुखा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आइए तो अपने टॉपिक पे हम वापस आ जाते हैं। यस, ये देखिए, इट हैज अ पर्पल कलर डिस्टिल्ड वाटर, बताया ना मैंने किस कलर का होता है, पर्पल कलर का डिस्टिल्ड वाटर। व्हेन एडेड इन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, जब इसमें एसिड डालोगे तो आप ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। व्हेन एडेड टू द बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल मुझे, मैंने आपको दिखाया ना, ये सॉल्यूशन फॉर्म में ही आपको मिल रहा था ना, ये देखिए आपको ये सॉल्यूशन फॉर्म में ही मिल रहा था। इट इज फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, इट टर्न्स ये सॉल्यूशन, और इन द फॉर्म ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ पेपर, या ये पेपर के फॉर्म में भी मिलता है, नोन एज लिटमस पेपर। इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ये दो प्रकार के पेपर में बनता है, रेड लिटमस पेपर में या ब्लू लिटमस पेपर में। बताइए, क्लियर है डाउट आपके? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये आपने देखा, लिचन देख लिया, ये लिचन का पौधा है, और लिचन के पौधे के बाद ऊपर रेड लिटमस पेपर और नीचे क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? चलिए एक्टिविटी 4.1, मिक्स सम वाटर विद अ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर, टम्बलर यानी गिलास, एंड टेस्ट ट्यूब या किसी में भी बना लो, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सोल्यूशन इन ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। लो भाई साहब, बना रहे हो एसिड और डालोगे किस में, रेड लिटमस पेपर में। हाँ। क्या कोई फर्क आएगा? नो। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, क्या कोई फर्क आएगा? हाँ, रेड कलर का हो जाएगा। नोट डाउन इफ देयर चेंज इन द कलर, चलिए तो बहुत ही सिंपल है ना। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सबस्टांसेस, तो भाई हमको समझ में आ चुका है कि भाई रेड लिटमस पेपर तो बेस के लिए होता है ना, ब्लू किसके लिए होता है, एसिड के लिए। तो ये देखिए, ब्लू को रेड करेगा, ये ब्लू को क्या करेगा, रेड करेगा। ये ऊपर ड्रॉपर है, ड्रॉपर से यहाँ पे ड्रॉप डाली तो ब्लू को रेड करेगा, रेड को रेड थोड़ा ना, रेड को थोड़ा ना ब्लू करेगा, क्योंकि वो तो एसिड है। क्या है वो? एसिड है। लेमन जूस क्या होता है? एसिड। अब कह रहा है यही एक्टिविटी परफॉर्म करो, परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सबस्टांसेस, टैप वाटर यानी पानी, अभी मैंने बताया था पानी जो होता है नल का क्या होता है, बेसिक होता है। हाँ, है ना, मतलब क्या कर देगा, रेड को ब्लू कर देगा, क्या कर देगा, रेड को ब्लू। डिटर्जेंट सॉल्यूशन क्या होगा, बेस, बेसिक, समझ गए ना, हाँ बेसिक होगा बिल्कुल, ठीक है। ये एरेटेड ड्रिंक, आई थिंक ये कार्बोनेटेड ड्रिंक होगा, क्या होगा, एरेटेड ड्रिंक, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या लिखा। सोप सॉल्यूशन बेस होगा, शैम्पू बेस होगा, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन भैया न्यूट्रल होगा, ना एसिड और ना बेस। शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन को डालेंगे दोनों में तो कुछ कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, क्योंकि ना वो एसिड है ना वो बेस है। विनेगर क्या होगा, एसिडिक, विनेगर क्या होगा, एसिडिक, मैग्नीशियम बेसिक होगा, बिल्कुल सही बात है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक, बेसिक।
वॉशिंग सोडा मतलब डिटर्जेंट, लाइम वाटर बेसिक, इफ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, यदि संभव हो तो डिस्टिल्ड वाटर में बनाइए। हाँ भाई, हम डिस्टिल्ड वाटर में ही बनाएंगे सारे सोल्यूशन, क्योंकि अगर हम टैप वाटर लेंगे तो ये तो बेईमानी हो जाएगी। टैप वाटर तो खुद में बेसिक होता है और फिर सबको बेस कर देगा, बोलो यस वन नो। इसलिए हम सारे सोल्यूशन किस में बनाएंगे, डिस्टिल्ड वाटर में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 4.2, है ना। इन योर टेबल आर देयर एनी सबस्टांसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दो सबस्टांसेस। जी हाँ, ऐसे सबस्टांसेस जिनमें कोई इफेक्ट नहीं आया है उनको हम न्यूट्रल सबस्टांसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। द सोल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर नोन एज न्यूट्रल सबस्टांस। दीज सबस्टांसेस नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ऐसे सबस्टांसेस ना तो एसिडिक होते हैं और ना तो बेसिक होते हैं। क्लियर? यस। डिस्टिल्ड वाटर बेसिक है ना? ओ माय गॉड, डिस्टिल्ड वाटर बेसिक नहीं है, टैप वाटर बेसिक है, नल का पानी। नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये तो स्टार्ट के शुरू में ही बताया था मैंने, कि शुरू में ही बताया था। समझ में आ गया? न्यूट्रल है। क्या है वो? न्यूट्रल है। क्लियर हो गया? जब आप पानी गर्म करने जाते हैं, आप क्या करते हैं? पानी गर्म करते हैं। शुरू में देखिए, तपेली में पानी लीजिएगा और जैसे कल गंजी में आप पानी गर्म करेंगे, ठीक है ना, तो आप देखिएगा जैसे आप पानी गर्म करेंगे नीचे वाइट वाइट कलर की कुछ जम जाता है, कचरा। यस और नो? समझ गए? वो क्या है? सॉल्ट है। क्या है वो? सॉल्ट है। समझ गए ना? ठीक है ना। तब जब भाप बन के पानी उड़ता है, यस और नो, तो इसके अंदर जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट मटेरियल होते हैं, वो नीचे डिपॉजिट होते जाते हैं, वो उनको छोड़ता जाता है। इसीलिए जो ऊपर भाप बन के जाएगा वो कैसा वाटर हो जाएगा? वो न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, क्योंकि अपना बेसिक पार्ट ही नीचे छोड़ देता है। देखा पानी में थोड़ा थोड़ा सा सफेद सफेद। आइए देखिए, तो टू प्रिपेयर द लाइम वाटर टेक सम पार्ट वाटर इन अ टम्बलर एंड एड सम लाइम चूना इन टू इट, स्टर द सोल्यूशन एंड कीप इट फॉर द सम टाइम, पोर ए लिटिल फ्रॉम द टॉप ऑन दिस लाइम वाटर, पोर ए लिटिल फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस लाइम वाटर टॉप। ठीक है भाई, ठीक है, वो तो हम करने ही वाले थे, आप हमें बताते ना बताते वो तो हम करने ही वाले थे। चलिए तो अब हम टेबल की बात करते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने टेस्ट सोल्यूशन दिया है और हम टेबल की बात करते हैं, तो आप टेबल तो बना लेंगे ना, तो सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे रख लीजिएगा। जैसे आपने पहले बोला है कि फर्स्ट इन्होंने बोला है टैप वाटर। क्या लिया फर्स्ट इन्होंने? तो यहाँ पर टेस्ट सोल्यूशन में मैंने लिखा है टैप वाटर। तो टैप वाटर जो होता है, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर क्या कर देगा भैया? ब्लू। इसको नो चेंज, समझ गया ना? इन्फ्रेंस मतलब हमको क्या पता चल गया, ये बेसिक है। क्या पता गया? बेसिक है। समझ में आ गया? इसी तरीके से आपसे बोला गया है सुगर, शक्कर का सोल्यूशन, सुगर सोल्यूशन, समझ गए? नो चेंज, नो चेंज मतलब क्या है? ये न्यूट्रल है। आगे बात समझ में? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये हो गया, टर्मरिक इज एन अनदर न्यूट्रल इंडिकेटर। टर्मरिक मतलब भाई साहब हल्दी, टर्मरिक मतलब क्या? हल्दी। चलिए, टेक अ टी टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड ए लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। भाई आपने ये यहाँ पे एक स्पून ले लिया, इस पे हल्दी डाल दी थोड़ी सी और इस पे थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया। क्या बना लिया इसका? पेस्ट बना लिया। मेक टर्मरिक पेपर डिपॉजिटिंग मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट कट थिन स्ट्रिप ऑफ येल्लो पेपर ऑब्टेंड। चलिए अच्छी बात है। आप कह रहे हैं एक पेपर ले लीजिए और एक पेपर में इस पेस्ट को लंबे लंबे में फैला दीजिए, इस पे उंगली से रगड़ करके इसे पूरे में फैला दीजिए। बोली हाँ है ना? और इसकी पतली पतली स्ट्रिप काट लीजिए। अरे वो पेपर के ऊपर, पेपर सिंपल है उसके ऊपर चिपका दिया, उसके बाद इसकी पतली पतली ऐसी लंबी लंबी स्ट्रिप काट लो। काट लिया? स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप येलो पेपर ऑब्टेंड। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। आप कह रहा है ये जो है इसमें थोड़ा सा एक एक ड्रॉप करके साबुन का पानी गिराइए, साबुन का पानी। आज ही मैंने आपको बताया था कि हल्दी में अगर साबुन को रगड़ती थी मम्मी तो कौन सा कलर आता था? ब्लू। कैसे आएगा भाई? ब्राउनिश रेड कलर आता था। समझ में आ गया ना? क्योंकि सॉल्ट क्या है, सॉरी साबुन का सोल्यूशन क्या है? बेस है, बेसिक सोल्यूशन है, बोलो है ना? और यो इंडिकेटर है और बेसिक इंडिकेटर, तो ये इसको कलर कर देगा, इसको रेड ब्राउन टाइप का दे देगा। ओके यस, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ,
तो एक्टिविटी पढ़ते हैं. यू कैन प्रिपेयर, ओके, पुट अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ द टर्मेरिक पेपर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आंसर, द पेपर बिकम ब्राउनिश रेड, रेड ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन. यस, ओके. आगे देखते हैं. यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड योर मदर ऑन हर बर्थडे, अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन द शीट. बिल्कुल इसी तरीके से पहले क्या करो कि शीट पे टर्मरिक पूरी लगा लो, टर्मरिक का पेस्ट पूरा पेस्ट कर दो, फिर उसके बाद एक सोप सॉल्यूशन भरो यहाँ पे, और जहाँ जहाँ आपने उसमें फ्लावर बनाया है अपने हाथों से कुछ कलर लेके, उसके ऊपर उस सोप सॉल्यूशन को छपाते जाओ. यस और नो? रेडिश ब्राउन, वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा. ऑन द अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन द शीट ऑफ पेपर, व्हाइट पेपर एंड ड्राइट, ड्राई ब्यूटीफुल फ्लावर विद द सोप सॉल्यूशन. सोप सॉल्यूशन की मदद से ब्यूटीफुल फ्लावर बनाओ. आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ब्यूटीफुल फ्लावर का कलर देख पा रहे हैं आप? ये देखिए भाई साहब, दिख रहा है रेडिश ब्राउन हो गया, हो गया ना, है ना मजे की बात. यस यस यस, ब्यूटीफुल फ्लावर विद अ सोप सॉल्यूशन, है ना, विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड, विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड. ये इसके आगे कॉटन बड लगाया है. हाँ, वो तो हमारा मसला है, चाहे हम जैसे करें. यू विल बी अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, बिल्कुल सही बात है. सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 4.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. यू मे ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सबस्टांसेस ऑल्सो. अब कह रहा है कि भाई साहब आप जो है टर्मरिक पर इसका इफेक्ट देख सकते हैं, टर्मरिक पर, हल्दी के सोल्यूशन पर. तो भाई सीधी सी बात है, हल्दी के सोल्यूशन में बेसिक जो होगा वो उसको क्या कर देगा, रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश रेड, वट एवर, ऐसे ही रेड ब्राउन टाइप का. और बाकी एसिड कोई इफेक्ट नहीं देगा. तो लेमन जूस इफेक्ट? नो, पहले में कोई इफेक्ट नहीं. ऑरेंज जूस? नो. विनेगर? नो. मिल्क ऑफ एग्नेशिया? यस, दे देगा, कलर कर देगा उसको, रेड में बदल देगा, है ना. बेकिंग सोडा? यस. लाइम वाटर? यस. सुगर? नो. कॉमन सॉल्ट? नो, क्योंकि ये न्यूट्रल है. आगे बात समझ में ना? और अगर ये इंडिकेटर दूसरे इंडिकेटर से रिएक्ट करे तो? अरे भाई वो बात हमारे सिलेबस में नहीं है कि एक इंडिकेटर दूसरे इंडिकेटर से लड़ाओगे आप, समझ गए ना. तो केवल हमारी बात हो रही है क्या, इंडिकेटर की. तो आपने देखा जो टर्मरिक है वो केवल केवल किसके साथ भिड़ता है, बेस के साथ. एसिड से उसका कोई पंगा नहीं है, इसलिए टर्मरिक को बोलते हैं बेसिक इंडिकेटर. क्या बोलते हैं टर्मरिक को? आई बात समझ में? चलिए अब लेते हैं हम चाइना रोज. क्या लेते हैं हम? चाइना रोज. चाइना रोज, चाइना रोज जिसको हम लोग गुड़हल का फूल कहते हैं. चाइना रोज एज इंडिकेटर, कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर. ये देखो ये चाइना रोज की पत्तियां हैं. कल मैं गुड़हल का फूल भी लेके आऊंगा आपके लिए दिखाने आपको. चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर. एड सम, एड सम, क्या एड करना है? ये लिखा हुआ है. एड सम वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड. थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, बीकर में पत्ती को डाल दीजिए, फिर ऊपर से पानी डालेंगे. ये पत्ती पड़ी हुई है, ऊपर से पानी डालेंगे तो पानी का कलर इसमें निकल करके आ जाएगा. टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड, यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, एज एन इंडिकेटर. एड 5 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 4.4. ये जो टेबल 4.4 दी गई है, इन सब में आपको, समझ गए ना, इन सब में आपको थोड़ी थोड़ी ड्रॉप डालनी है, थोड़ी थोड़ी ड्रॉप डालनी है, ठीक है. चलिए अब आप देखिए जी भाई साहब, ये देखिए ओरिजिनल, ये देखिए क्या करता है. आप जो गुड़हल का फूल है, जो इंडिकेटर है, ये देखिए ये इंडिकेटर है, ये गुड़हल के फूल का सॉल्यूशन है जो पानी में घोलने के बाद बना था, पानी में घोलने के बाद बना था. बोलिए क्लियर है? पानी में घोलने के बाद जो बना था ये गुड़हल के फूल का, ये किस कलर का है? लाइट पिंक है. क्या है ये बोलो भाई? लाइट पिंक है, नहीं दिख रहा क्या? देखो इजी, लाइट पिंक है. बोलो ये सुनो, आप देखो जब यदि आपने इसको एसिड में मिलाया है, किसे मिलाया है? एसिड. अच्छा, एसिड में मिलाया तो एसिड में इसका कलर क्या हो गया है? येलो. क्या हो गया है? येलो हो गया कि नहीं हो गया है? जैसे टर्मरिक वाटर है, हाँ, टर्मरिक पेस्ट, उसकी चाइना रोज की एक पेटल को उसमें डाला तो फिर, अरे फिर आप आ गए टर्मरिक पेस्ट पे. टर्मरिक पेस्ट से हमारा कोई मतलब नहीं, वो अलग इंडिकेटर है. हाँ, ये अलग इंडिकेटर है भाई. इंडिकेटर की लड़ाई एसिड बेस से होती है ना. हाँ, उसकी भी तो एसिड बेस से हुई थी. और
इसको किससे मिलाया है? बता रहा हूँ, ये आपके पास में सबसे पहले ये क्या दिख रहा है? पिंक। ये लाइट पिंक कलर का क्या है? ये चाइना रोज का फ्लेवर है। फ्लेवर चाइना रोज का वाटर है, समझ गया ना? डिस्टिल्ड वाटर में उबाला है इसको अपन ने। क्लियर है? व्हाट इज दिस? दिस इज इंडिकेटर। इंडिकेटर। अब जैसे ही मैंने इसको एसिड में डाला, इंडिकेटर में कौन सा भी एसिड ले लो, चाहे आप साइट्रिक एसिड ले लो, चाहे आप ऑक्सैलिक एसिड ले लो, कोई भी एसिड डालोगे तो एसिड का कलर इसने क्या कर दिया? येलो। और जैसे ही आपने इसको बेस में मिलाया, सोप सॉल्यूशन, किसमें मिलाया? सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन में जाकर के ये हो गया कलरलेस। क्या हो गया? लाइट ग्रीन। हाँ, कलरलेस बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? लाइट ग्रीन, भले आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा कलरलेस है। हाँ, कलरलेस ही है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? तो ये कलरलेस सा हो गया है, मतलब ये दोनों के लिए काम करेगा, एसिड के लिए भी और बेस के लिए। एसिड में येलो हो जाएगा। हाँ? और बेस में कलरलेस। एसिड में येलो और बेस में कलरलेस। आई बात समझ में? हाँ। अब मुझे एक बात बताइए कि हल्दी अगर आपके शर्ट में पड़ गई और उसे साबुन से रगड़ दिया गया तो कौन सा कलर हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। तो ये देखिए क्या लिखा है, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई अ टर्मरिक स्टेन, हल्दी का धब्बा ऑन माई शर्ट टर्न टू द रेड, टर्न टू द रेड व्हेन इट वॉश्ड बाय अ सोप, जब इसको मम्मा ने साबुन से रगड़ा, इट इज बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक, क्योंकि सोप सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिक। इसके वजह से क्या हो गई? वो रेडिश ब्राउन हो गई। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ ना? तो ये देखिए, आइए अब इसके साथ नई टेबल बनी हुई है। चलिए बताइए, शैम्पू के साथ इनिशियल कलर, शैम्पू का जो भी होगा फाइनल कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस। फाइनल कलर क्या होगा? टेस्ट सॉल्यूशन शैम्पू है। शैम्पू के साथ ये गुड़हल के, ये जो निकला है आपका चाइना ट्री का, चाइना फ्लावर का ये जो निकला है, तो शुरुआत में क्या रहा होगा? पिंक कलर। किस कलर में होगा? पिंक, लाइट पिंक रहा होगा। सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन। अरे यार, इंडिकेटर कौन है आपका? गुड़हल। तो गुड़हल में मिलाओगे ना आप? हाँ। एक में मिलाओगे ना? तीनों में क्यों मिलाओगे आप? अरे गुड़हल में के फ्लावर के सॉल्यूशन में थोड़ा सा आप क्या डालोगे? इसकी बूंदों को आप डालोगे सोप में। हाँ। तो सोप, तो इसका सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा गुड़हल के? उसका लाइट पिंक। लाइट पिंक, लाइट पिंक नहीं हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अच्छा, बेस में, बेस में ही तो मिला रहे हैं। ये क्या है? व्हाट इज शैम्पू? बेस है ना ये? सोनो क्लियर हुआ? हाँ। लेमन जूस तो कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो। हाँ, लेमन जूस क्या है? ये इनिशियल कलर इसका लाइट पिंक रहेगा, बोलो। हाँ। हाँ, तो लाइट पिंक जैसे ही मिलाओगे आप इसमें, तो फाइनल कलर क्या हो जाएगा इसका? ऑरेंज कलर, ऑरेंज या येलो कलर, जो भी कहते हो आप इसको, ऑरेंज कलर। क्लियर हो गया? सोडा वाटर। हाँ, सोडा वाटर क्या होता है बताइए? एसिड की बेसिक, बेसिक होता है ना। अब हो, सोडा वाटर को आपने एसिड कह दिया। सोडा वाटर बेसिक होता है, होता खाने का सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेसिक होता है। अच्छा, बेकिंग तो सोडा ही से तो सोडा वाटर बनेगा। तो ये कौन सा कलर हो जाएगा? कलरलेस। कलरलेस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, वही सोडा वाटर ही है। इसका सही नाम कलरलेस हो जाएगा। विनेगर है ना, ऑरेंज। शुगर सॉल्यूशन, नो चेंज। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, नो चेंज। आई बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंडिकेटर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन? भाई बता दिया, एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा? ऑरेंज। बेसिक में कलरलेस, बेसिक में कलरलेस, और न्यूट्रल में नो चेंज, लाइट पिंक का लाइट पिंक ही रहेगा। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन इनटू डार्क पिंक। डार्क पिंक। एक मिनट, चाइना रोज सॉल्यूशन, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, मैजेंटा। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है क्या मेरे से? एसिड इंडिकेटर बेस, इसको ये मैजेंटा बोल रहा है, एक्चुअली डार्क पिंक बोलना गलत होगा। चलिए, ये लिखा हुआ है चाइना रोज इंडिकेटर turns acidic solution to dark pink, magenta and basic to green. Green, वही तो। जिसको हम colorless बोल रहे हैं। Green दिख रहा है। Printing नहीं। हाँ, इसको ये green है ये। Okay, तो बच्चों याद रखिएगा, base किस color में जाएगा ये? Green color में जाएगा। Okay? Magenta। और ये जो है, इसका original ये indicator color है। और इस color को इन लोगों ने magenta बोला है, ठीक है?
देखिए थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हुई है, मैं आपको बताऊँ, ये जो इसमें जो कलर मिल रहा था हम लोग को, ये जो कलर है अपना, ये एसिडिक सोल्यूशन का कलर मिला है, इसको मैजेंटा जो कलर मिल रहा है वो एसिडिक सोल्यूशन में मिला है, और बेसिक सोल्यूशन में आपको जो मिलेगा वो ग्रीन कलर मिलेगा। ओके, तो जो ओरिजिनल कलर है यहाँ पे, एक्चुअली बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है कि हम कन्फ्यूज़ हो गए। ओके, यहाँ पर ये जिसका ओरिजिनल कलर है, तो यहाँ पे इसको इंडिकेटर लिखना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, एसिड, और यहाँ पर बेस, तो ये इंडिकेटर का कलर इसका ये नॉर्मल है। ओके, ऑरेंज टाइप का मैजेंटा कलर मिलेगा आपको एसिडिक में, और ग्रीन कलर मिलेगा लाइट ग्रीन, किस में मिलेगा आपको, बेस में। तो आई एम सॉरी, गलती जो हुई है और आप इसको सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये लाइन बिल्कुल हमारी समझ में आ रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। देखिए भाई, अभी एक बहुत बढ़िया बात हो रही है यहाँ पे। आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस। भाई सूखे लिटमस पेपर में आप बेकिंग सोडा डालोगे, सोडा वो भी पाउडर फॉर्म में, क्या कोई ये रिजल्ट देगा भाई? लिटमस कब एक्ट करेगा? और ये जो बेकिंग सोडा है ये बेसिक करेक्टर कब शो करेगा? जब आप उसका सोल्यूशन बनाओगे। क्या बनाओगे उसका? हाँ, वाटर में सोल्यूशन बनाओगे। मेक अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा देन ट्राई इट। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, जब आप उसका सोल्यूशन बनाओगे तब तो वो बेसिक एक्ट करेगा, अदरवाइज वो बेसिक एक्ट नहीं करेगा। तो ये तो चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि भाई चीज़ें एसिडिक और बेसिक तब होंगी जब आप इनका सोल्यूशन बनाओगे। क्या बनाओगे? सोल्यूशन। उसके बगैर ये एसिडिक और बेसिक आपको समझ में नहीं आएंगी। चलिए अब इसके बाद क्या है, देखिए। पहेली ब्रॉट द फॉलोइंग पहेली रिडल फॉर यू। कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इट इज एन एसिड और अ बेस। भाई कॉफी बिटर है यानी कि बेस है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन डार्क विद इट्स टेस्ट। बहुत बढ़िया पहेली दी है यहाँ पे पहेली ने कि भाई कॉफी को आप बिटर सोच करके आप उसका आंसर मत दीजिए, आप पहले उसको टेस्ट कीजिए। क्या करिए? उसके टेस्ट करिए। डोंट गिव इट आंसर विदाउट एनी टेस्ट, टेस्ट है हाँ, बिना चेक करे आप उसका आंसर मत दीजिए। चलिए अब चलते हैं एक्टिविटी 4.4 की ओर। द टीचर, चलिए वो आपको चैप्टर के एंड में पता चल जाएगा। द टीचर रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हर स्कूल लेबोरेटरी फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। अब देखिए भाई, कुछ एसिड आपके सामने आ रहे हैं, नाम काफ़ी है। नंबर वन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों ये एक सिंपल एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड होता है, इसका नाम है HCl। क्या नाम है? ये बहुत खतरनाक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक खतरनाक एसिड है, एसिडिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। ओके, ये कुछ एसिड आपके सामने दिए हैं, कुछ बेस आपके सामने दिए हैं। अब आप इनको जानते तो हैं नहीं कि सर ये क्या क्या है, तो मैं बता देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक खतरनाक एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी एसिड है, एसिडिक एसिड जानते हो एडिबल यानी कि खाने वाला एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है ये? जहाँ भी हाइड्रोक्साइड लगा हो ना मतलब बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा? बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लगा होगा क्या होगा? बेस। बेटा जहाँ भी हाइड्रोक्साइड लगा वो बेस है। ओके, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन। तो भाई क्या होगा? आपने तीनों चीजें पढ़ ली। लिटमस पेपर एसिड है तो ब्लू को रेड करेगा, और बेस है तो रेड को ब्लू करेगा। टर्मरिक में आपको पता है एसिड नो इफेक्ट, और बेस जो होता है, ओ गलत बोल गया, गलत बोल गया, नहीं नहीं सही बोल रहा था, एसिड नो इफेक्ट, बेस क्या कर देगा? रेड कर देगा। इफेक्ट ऑन चाइना रोज, एसिड होगा तो मैजेंटा बदल देगा, और नहीं तो ग्रीन कलर कर देगा, कर देगा ना जी। ओके, अब आइए, मतलब हम लोग पूरे पूरे जानकार हो चुके हैं। ओके, हम पूरे पूरे के जानकार हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं एसिड रेन के बारे में। किसके बारे में? एसिड रेन के बारे में। आइए देखते हैं एसिड रेन क्या होती है। बच्चों एसिड रेन जो होती है ना वो हमारे नेचुरल का एक तरीके से हम नेचुरल डिजास्टर ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेचुरल डिजास्टर, हमारे नेचर की समस्या है एसिड रेन, ठीक ना। उसका हमको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब क्या होता, क्या देखिए बच्चों, जो गाड़ियाँ चलती हैं, व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, समझ गए ना, तो ये गैस प्रोड्यूस करते हैं, है ना, CO2। कौन सी गैस? CO2 और SO2, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस ऊपर होती हैं, गर्म होती हैं, और गर्म गैसेस हवा में ऊपर उड़ती हैं, और बादलों के पास जाकर के ये रिएक्ट करती हैं वाटर से। क्या रिएक्ट करती हैं? वाटर से। और वाटर से रिएक्ट करने के बाद H2O पानी
प्लस CO2। बोलो जी यस और नो, क्या बनाएगी? H2CO3। देख लो क्यों, हाइड्रोजन कितने? दो। हाँ। कार्बन कितना? एक। और ऑक्सीजन कितने? एक और दो, कितने हो गए? तीन। हाँ। यस की नो। और दूसरा H2O, अगली गैस कौन सी थी? SO2, SO2। तो क्या बनाएगी? H2SO3। यस और नो। हाँ। ये क्या है? ये एक एसिड होता है, वीक एसिड, जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? हाँ, इसे टेस्ट कर सकते हो, कार्बोनिक एसिड है, इसमें पाया जाता है। ये बता रहा हूँ मैं, ये कार्बोनिक एसिड है। और बता दूँ मैं जी, किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है भाई साहब? ये जो एसिड है, ये पाया जाता है आपके कोल्ड ड्रिंक में। जितने कोल्ड ड्रिंक होते हैं सब इसकी वजह से आपको मजे आते हैं, समझ गए? जो फिज निकलता है सोडा वाटर, बिल्कुल सही बात है, इसी से निकलता है। तो H2O और SO2, अगला जो गैस बनती है वो बनती है H2SO3, जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरस। दो एसिड बन गए, बोलिए यस और नो। ये कहाँ पर बने? बादलों के पास। कहाँ पर बने? बादलों के पास पानी है। अब बादलों से बारिश होती है, होती कि नहीं होती है? नहीं। तो ये भी बरसेंगे, क्या करेंगे? ये भी बरसेंगे। बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे? और एसिड का एक बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल की बॉडी का कट कट करके गिरना, कट कट करके गिरना, उसका धीरे धीरे घुलना, धीरे धीरे घुलना। केमिस्ट्री में इस प्रोसेस को बोलते हैं ईटन अप। ईटन अप, थर्मोकोल जल्दी जल्दी घुलता है। हाँ, वैसे ही। तो ईटन अप जो होता है मतलब कोरोजन, जंग लग जाती है चीजों में और ये घुलना शुरू हो जाती है, समझ गए ना? बिल्कुल, जो ताजमहल में हो रहा है। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम जो होता है क्या होता है कि वो मेटल होता है। क्या होता है? कैल्शियम मेटल। और जितने मेटल होते हैं इसको ये धीरे धीरे करके काट काट करके गिरने लगती हैं। पहले उनके ऊपर येल्लो कलर की पॉलिश आ जाती है और फिर उसको धीरे धीरे खराब करते लगती हैं। तो इस डेंजरस इफेक्ट को बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं? मतलब एक तरीके से आसमान से एसिड बरस रहा। क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर? आइए देखते हैं। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? यस, मेरे को तो पता है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन? क्या आपने सुना कि एसिड रेन के डैमेजिंग इफेक्ट? और तो और भाई सब, एसिड रेन से ताजमहल तो खराब हो ही रहा है, और मैं आपको बताऊं क्या क्या होता है बेटा। क्या होता है जब एसिड रेन पहली बारिश होती है तो उस समय जो तालाब होते हैं, तालाब में एसिड बरस जाता है, ये सुनो। तो पानी की एसिडिटी बढ़ जाती है, तो जितनी मछलियां होती हैं ना वो बीमार पड़ जाती हैं, कई बार तो बहुत सारी संख्या में मर भी जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तो जितने पानी के जीव होते हैं उनको एसिड रेन बहुत परेशान करती है ना, मछलियां मर जाती हैं, एक्वेटिक लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। हैव यू हैवर हर्ड अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एज द नेम इंडिकेट, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड कॉल्ड एसिड रेन। इस रेन में एक्सेस ऑफ एसिड होता है। वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम? ये एसिड कहाँ से आता है? द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाई ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक बताना मैं भूल गया था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वो किससे आती है? ये सबके सब पॉल्यूटेंट हैं और ये सब व्हीकल से निकलते हैं, गाड़ियों से, डीजल जलने से। विच आर रिलीज इन टू द एयर एज पॉल्यूटेंट डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो कौन कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। एसिड रेन कैन डैमेज बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, प्लांट एंड एनिमल। समझ गए? इनको ये प्लांट्स को कैसे? हाँ भाई, प्लांट की पत्तियाँ टूट जाती हैं एसिड बरसने के कारण। क्लियर? हाँ, चलिए। तो ये जो पिछला एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ये वाला, इस एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे बातें हो रही हैं। क्या कह रहा? ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कोरोजिव इन नेचर। मैंने अभी वर्ड क्या बताया था? कोरोजन। क्या बताया था? कोरोजन मतलब किसी चीज को धीरे 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 करके खा जाना, कट जाना। जैसे आपने देखा होगा थर्मोकोल को एसिड खा जाता है, ऐसे ही ये मेटल को भी खा जाता है। थोड़े देर के लिए मेटल के ऊपर पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड और फिर मेटल वहां से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, धुआं बन के उड़ जाएगा, धुआं बन के। हाँ जी, इसको बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं इसको? कोरोजन। अगर आपकी हाथ की चमड़ी में बन गया तो ऊपर से डलेगा और नीचे छेद होकर के निकल जाएगा और आपकी बाकी की चीज का पता आता नहीं रहेगा, बिल्कुल सब खत्म। अगर आपके पास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है और आपने यहाँ पहला हाथ की उंगली डाली तो उंगली नहीं निकलेगी, केवल हड्डी निकलेगी। क्या निकलेगी बाहर? हड्डी। दोबारा हड्डी डाली तो हड्डी भी नहीं निकलेगी, वो भी गायब हो जाएगी। समझ गए ना? सब बहुत पावरफुल होता है, इसलिए इसमें लिखा है कि भैया इसमें आपको ग्रेट केयर हैंडलिंग करना है।
क्योंकि इनका कोरोजिव इफेक्ट होता है. कौन सा इफेक्ट होता है? कोरोजिव. समझ गए ना? इरिटेटिंग, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन, और आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होता है. समझ गए? इसलिए आपको इसमें ग्रेट केयर बरतनी है, क्योंकि आप भाई साहब बहुत खतरनाक खतरनाक एसिड से आपका पंगा होने वाला है. ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड भैया बहुत कोरोजिव है, स्ट्रॉन्ग बेस है. समझ गए ना? सल्फ्यूरिक एसिड बहुत तगड़ा एसिड है, नाइट्रिक एसिड बहुत तगड़ा एसिड है. समझ गए? तो इसलिए इनमें आपको ग्रेट केयर बरतनी है. डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ दीज थ्री इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ दीज सोल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. चलिए हम कर लेंगे, अच्छी बात है. ओके, वो हमारे काम की चीज़ एक्टिविटी, वो हम कर लेंगे. अगला टॉपिक आता है न्यूट्रलाइजेशन. क्या आता है? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल करना. क्या करना? न्यूट्रल करना. अगर आपने कभी खाने में बहुत ज़बरदस्त मिर्ची खा ली है, बहुत ज़ोरदार मिर्च चली गई आपके अंदर, फिर आप क्या कहते हैं, जल्दी से क्या कहते हैं, पानी पानी पानी, फिर पानी नहीं मिलता है. पानी मिल गया तब भी नहीं बुझी, तो क्या करते रहे हम लोग बचपन में? हम लोग बोलते रहे शक्कर दो शक्कर. क्या दो? शक्कर. मतलब तीखे को हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं किससे? शक्कर से, है ना. उसकी इंटेंसिटी को कम करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम करते हैं. तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी में एसिड की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए, एसिड ज़्यादा हो जाए, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या मिलाएंगे? बेस. क्या मिलाएंगे? बेस. एसिड और बेस की लड़ाई होती है, तो एसिड और बेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. यस और नो? खत्म कर देंगे एक दूसरे को. क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, और कोई बचेगा ही नहीं. इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन. समझ गए? मतलब एसिड और बेस को लड़ा करके खत्म कर देना, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. तो बच्चों एसिड के साथ बेस को लड़ाना कहलाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन. क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूट्रलाइजेशन. आप रात भर जागते हैं, सोते हैं, जागते नहीं है, आप लोग रात भर सोते हैं, तो आपके दांतों में बैक्टीरिया जो होती है, दांतों में बैक्टीरिया क्या बना देती है? एसिड बना देती है. क्या बना देती है? एसिड. रात भर वो लोग बैक्टीरिया, एक तरीके से बैक्टीरिया लिविंग होती है, और वो भी गंदी गंदी चीज़ें बनाती है, तो वो आपके दांतों में एसिड बन जाता है. क्या बन जाता है? एसिड. सुबह सुबह आप पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट में क्या होता है? बेस. क्या होता है? बेस. कल आप अपने पेस्ट के पीछे इंग्रेडिएंट्स देखिएगा, ठीक है ना, उसमें देखिएगा, आपको पक्का कोई ना कोई बेस मिलेगा. तो वो बेस और एसिड मिल जाते हैं सुबह, और फिर से यहाँ पे हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? और जितना बेस होता है वो सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, सारे एसिड को ख़त्म कर देता है, और एसिड बेस को. क्लियर ना? एसिड बेस को ख़त्म कर देगा और बेस एसिड को ख़त्म कर देगा, कुछ नहीं बचेगा, और आपका माउथ बिल्कुल क्लीन हो जाएगा. समझ में आ गया ना? यस. तो एसिड और बेस की जब लड़ाई होती है, एसिड का बेस से टकराना, एसिड और बेस का आपस में कॉन्टैक्ट करना ही क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. समझ गए ना? इसमें एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को. क्लियर? इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अच्छा, इसमें बनता क्या है? जब भी बच्चों एसिड और बेस की लड़ाई होती है तो दो चीजें बनती हैं. बोलिए, सॉल्ट प्लस वाटर. सॉल्ट प्लस वाटर. मैं एग्जांपल के लिए आपको एक एसिड और एक बेस की लड़ाई करवा के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा. चलिए एक एसिड ले लीजिए. बोलिए, पहले मैं बेस ले लेता हूँ. बोलिए, बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, प्लस मैं एक एसिड ले लेता हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बोलिए यस और नो? ले लिया. अब देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट निकल गया. ये क्या निकल गया? HOH, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. तो ये क्या बन के अलग हो जाएगा? H2O अलग हो गया, और साथ में क्या टूट गया? यहाँ से Na टूट गया, NaCl. तो आपने देखा, बिल्कुल सही, आपके पास ये बन गया, ये सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया. तो याद रखिएगा, कभी भी एसिड और बेस की लड़ाई होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर. बिल्कुल हमेशा एसिड और बेस की लड़ाई में सॉल्ट एंड वाटर बनेगा. क्लियर है? तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Let's study about the neutralization reaction. We have learned that acid turns blue litmus red and base turns red litmus into blue. Let us see what happens when acid mix with the base. We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. It is called phenolphthalein. अब थोड़ी देर में आपसे मैं phenolphthalein indicator के बारे में बात करूँगा. चलिए, activity 4.5, to be demonstrated by the teacher in the class. ये activity कौन demonstrate करेंगे? Teacher. Fill 1/4 of the test tube with dilute hydrochloric acid. भाई साहब ये वही activity जो मैंने पीछे अभी आपको reaction बताई. 1/4 एक test tube ले लीजिए और इसमें क्या भर दीजिए? Dilute HCl. क्या भर दीजिए? Dilute
HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नोट डाउन द कलर, इसका कलर नोट कर लीजिए. नोट डाउन द कलर ऑफ द फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन. एक मिनट, क्या ये ओके ये काफ़ी बड़ी प्रोसेस है. तो आज यहाँ पर टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, एक लेक्चर में, ठीक ना, करीब डेढ़ घंटे का हमने लेक्चर बना लिया है. तो इसमें दो एक्टिविटी एक्चुअली होने वाली हैं. पहले ये फिनोफ्थलीन का, फिनोफ्थलीन से इस सॉल्यूशन का कलर चेक करेंगे, देन उसके बाद जो है ये आपका सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कराएंगे, मतलब इसके साथ एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे. और फिर उसके बाद वही रिएक्शन होगी जो आज मैंने आपको पढ़ाई है, ध्यान से देख लीजिए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्लोराइड NaOH इक्वल टू क्या बन गया था, NaCl प्लस वाटर, जो मैंने आपको पढ़ाया है वही कल होने वाला है. तो कल इसको हम फर्दर मोर प्रोसीड करेंगे. और फिर न्यूट्रलाइजेशन इन अवर एवरी डे लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, इनडाइजेशन, जब खाना नहीं पचता है तो हम लोग इनडाइजेशन यूज़ करते हैं. एंट बाइट, जब हमको कोई कीड़ा काट देता है तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का यूज़ करते हैं. सॉइल ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, फैक्ट्री वेस्ट में यूज़ करते हैं. और इसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा. तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हमारे लेक्चर के साथ जुड़े रहने पर.